गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कल तक आप लोग का क्वेश्चन आंसर चल रहा था और क्वेश्चन आंसर आप लोग कर रहे थे, जिसमें 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया था. आज हम लोग उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे. 5th नंबर है, राइट द स्टेप्स टू व्यू मर्ज डेटा, यानी जो डेटा मर्ज हो चुका है उसको देखने के लिए स्टेप्स क्या होना चाहिए या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे. तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट होगा. और फिर हम लोग, आप लोग को बोला गया था कि अगले चैप्टर को रीड कर ले, तो चैप्टर 6 जो है आपका आज शुरू हो जाएगा. ठीक है, चलिए आज हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चैप्टर 5 का. क्या है क्वेश्चन? राइट द स्टेप्स टू व्यू मर्ज डेटा. क्वेश्चन में कुछ और ऐड है, वो है इन कंटेक्स्ट ऑफ मेल मर्ज. इन कंटेक्स्ट ऑफ मेल मर्ज, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है. देखिए इसका आंसर क्या होगा. पहला लाइन हम लोग लिखेंगे द स्टेप्स टू पहला स्टेप हुआ है, नोट कीजिए.
हो गया ये कंप्लीट। तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो अगर आपको फर्स्ट डेटा देखना हो तो फर्स्ट रिकॉर्ड बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, और भी जो ऑप्शंस है उस पर क्लिक करके हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। स्टेप टू आप देख लिए, टू व्यू नेक्स्ट और प्रीवियस डेटा क्लिक ऑन नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड बटन, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे और लिखा हुआ है ओ आर और, ठीक है। चलिए अब चैप्टर 6 हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये आपके चैप्टर का नाम, बेसिकली चैप्टर जो है आपका एक्सेल है, ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके अंदर आप लोग बस गिने चुने कुछ ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो है फॉर्मेटिंग, फार्मूलाज एंड फंक्शंस, फॉर्मेटिंग, फार्मूला एंड फंक्शंस, ठीक है। तो आप लोग यही पढ़ने वाले हैं। वैसे एक्सेल में बहुत कुछ होता है, लेकिन आप लोग का पहले ये आप लोग जान लें स्टेप बाय स्टेप, क्लास वाइज आप लोग पढ़ते हैं तो उसी हिसाब से बुक में दिया रहता है। तो इसमें टॉपिक दिए गए हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। एक्सेल का वर्कशीट आप लोग देखे होंगे, वर्कशीट कैसा होता है, उसमें सेल जैसा टेबल देखे हैं आप लोग, उसी प्रकार से होता है, रो और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वो प्लेन ब्लैंक पेज नहीं होता, उसके अंदर रो और कॉलम्स होते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। यू ऑलरेडी नो दैट एम एस एक्सेल इज सेपरेट सीट प्रोग्राम, आप लोग पहले से जानते हैं, आप लोग पहले भी पढ़े हैं, ये क्लास 6 है, 4-5 से ये स्टार्ट होता है ये। तो आप लोग जानते ही हैं कि एक्सेल क्या है, एक सेपरेट सीट प्रोग्राम है, जैसा एक सीट में क्या रो और कॉलम्स, ठीक है। लाइक एम एस वर्ड एंड एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल ऑल्सो प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेटिंग टूल्स, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शायद आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो इन सभी में जितने भी टूल्स हैं इन दोनों सॉफ्टवेयर में, उसी प्रकार से इसमें भी आपके एक्सेल में भी जो है बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल्स प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट फॉर्मेटिंग द डेटा एंड सेल्स टू मेक देम मोर रीडेबल एंड एट्रैक्टिव। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि किसी भी डेटा को इस रूप में फॉर्मेट कर दिया जाता है और बनाया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल होता है और क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है।
यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज़ द फार्मूलाज एंड फंक्शंस. आप इसमें ये भी सीखेंगे कि कैसे फार्मूला और फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जैसे कि हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं एड सब्ट्रैक्ट वगैरह ऑन द डेटा इन द सेल, और उस सेल में जैसे कि आप टेबल पीछे पड़े हैं ना, बस उसी को लेकर चलिए, कुछ उसी प्रकार से इसमें कैलकुलेशंस किए जाते हैं. इन एम एस एक्सेल वर्कशीट टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन टू टू वेज. एक्सेल के वर्कशीट में टेक्स्ट जो है वो उसको दो रूपों में, मतलब दो में फॉर्मेट किया जाता है, यानी उसके दो रास्ते हैं. ठीक है, वर्ड्स ध्यान नहीं रहते कभी, उसके दो रास्ते हैं यानी फॉर्मेट करने के लिए, उसके लिए दो उपाय हैं. और क्या क्या है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए? पहला देखिए आप लोग, फॉर्मेटिंग सेल है. ठीक है, इन एम एस एक्सेल विंडो ऑन होम टैब वेरियस फॉर्मेटिंग टूल्स आर अवेलेबल फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो विंडो है उसके होम टैब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, यानी अलग अलग प्रकार के जो है फॉर्मेटिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं फॉर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग करने के लिए और टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए. You have already learned about some of the tools in MS Word and MS PowerPoint. आप लोगों ने इस टूल के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और पावर पॉइंट में. ये जो टूल आप देख रहे हैं आपके बुक में होगा पेज नंबर 59 में, तो आप देख रहे होंगे. इन सभी टूल के बारे में आपको लग रहा होगा कि आप जानते हैं, तो ज़रूर आप लोग जानते हैं और आप लोग लैब में भी देखे हैं. ठीक है, तो सेम फीचर है, सेम ऑप्शन है, यहाँ एक्सेल में भी वो चीज़ डाला गया है. द स्टेप्स टू फॉर्मेट द सेल टेक्स्ट इन अ सेल यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द होम टैब आर. तो अगर आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं किसी सेल में, तो वैसे इसका एक्सेल का काम सेल में ही होता है क्योंकि सेपरेट सीट है ये. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऑप्शंस जो है अप्लाई करेंगे. उसके लिए स्टेप्स देखिए. सेलेक्ट द सेल वेयर यू वॉन्ट टू फॉर्मेट द सेल टेक्स्ट. उस सेल को सिलेक्ट करिए जहाँ पे आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं. और ऑप्शन टू है क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड टूल अवेलेबल ऑन द फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपको अलाइनमेंट ग्रुप में और फॉन्ट ग्रुप में ऑप्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें से आप चूज कीजिए और अप्लाई कीजिए. ठीक है, सेकेंड हो गया. लेट्स हैव अ लुक ऑन द टूल्स अवेलेबल इन फॉन्ट एंड एलिगमेंट ग्रुप्स. कुछ आपको दिखाए गए हैं और मैं वहाँ पे बोल के आपको नाम भी बता चुकी हूँ और दोबारा फिर बता रही हूँ ताकि जितने भी टूल्स हैं उसको आप पहचान सकें. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं. पहले हम लोग फॉन्ट ग्रुप में आते हैं. फॉन्ट ग्रुप के आपके सामने क्या होगा, लेफ्ट साइड से आइए, वहाँ पे है चेंज फॉन्ट टाइप, जहाँ से हम लोग उसका स्टाइल चेंज करते हैं. आप लोग लैब में कर चुके हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, आप लोग समझ जाइएगा. फिर है चेंज फॉन्ट साइज, फॉन्ट के साइज. लास्ट शुरुआत 8 से होता था, लास्ट कहाँ 72 पे फिनिश होता था. फिर चेंज फॉन्ट कलर दिया गया है. ठीक है, फिल कलर इन द सिलेक्टेड सेल दिया गया है. अप्लाई बॉर्डर टू द सिलेक्टेड सेल. मेक द टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन दिया गया है. और यहाँ पे ये ग्रो फॉन्ट है, इसका नाम नहीं बताया गया, मैं बता देती हूँ. आप एक बड़ा सा ए देख रहे हैं और कुछ छोटा सा ए देख रहे हैं. बड़ा सा ए है उसका नाम है ग्रो फॉन्ट, और छोटा सा जो ए है उसका नाम क्या है, श्रिंक फॉन्ट. इससे क्या होता है, ग्रो फॉन्ट ग्रो से बढ़ना और श्रिंक से वो घटता चला जाता है फॉन्ट. ठीक है, आ जाइए राइट साइड में. अब आप लोग राइट साइड में एलिगमेंट ग्रुप दिया गया है जिसमें सेट वर्टिकल एलिगमेंट है और सेट ओरिएंटेशन है और रैप लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस, और उसको रैप कर देना, टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, उसके बाद है कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड सेल इन अ न्यू लार्जर सेल. मर्ज और सेंटर है जिसको बहुत सारे टेक्स्ट को एक सेल में क्या है, मर्ज कर देना, जोड़ के डाल देना. ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में है सेट हॉरिजेंटल एलिगमेंट. वर्टिकल एलिगमेंट है और हॉरिजेंटल एलिगमेंट. ठीक है, समझ गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. पेज नंबर 60 ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग सेल्स यूजिंग द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. हेडिंग से आप लोग समझे, कुछ समझा देती हूँ. फॉर्मेटिंग सेल यूजिंग द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स.
यानी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, सेल का फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग जानते हैं ना, अपीयरेंस को चेंज करना, पीछे भी अभी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस देखे हैं आप लोग। चलिए आइए, द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन अ वन स्टॉप फॉर्मेटिंग सोर्स फ्रॉम द विद इन दैट वन डायलॉग बॉक्स यू कैन फाइंड द ऑप्शंस फॉर फॉन्ट, सेल बॉर्डर, शेडिंग्स, एलिग्नमेंट विद इन द सेल, टेक्स्ट डायरेक्शन एक्सेट्रा। अभी इसी की बात हो रही है, आप जो ये सब देखें इसमें जहाँ क्लिक कीजिएगा ड्रॉप डाउन एरो या फिर लॉन्चर बटन, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिसका इस्तेमाल करके हम अपने टेक्स्ट को और अपने सेल को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप्स देखिए, द स्टेप्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन अ सेल यूजिंग द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आर, फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द सेल वेयर यू वॉन्ट टू फॉर्मेट द सेल। तो आप लोग सब जानते हैं और बहुत जूनियर से ही है, क्लास वन टू से ही, जहाँ से लैब स्टार्ट हुआ वहीं से ये चीज़ स्टार्ट होता है कि जो ऑप्शन आपको करना है, जो चीज़ करना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो ज़्यादातर सिलेक्ट का ही आता है। ठीक है, बिना सिलेक्ट किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते हो कंप्यूटर में, है ना। तो पहला स्टेप क्या है, उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसे हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, तभी आपका ऑप्शन अप्लाई होगा। स्टेप टू है, ऑन होम टैब क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन फॉन्ट ऑफ अलाइनमेंट ग्रुप, या फिर आप वो भी कर सकते हो राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड सेल एंड सिलेक्ट फॉर्मेट सेल ऑप्शन। ये जो है राइट क्लिक करने से ऐसा एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा और इसमें से आप लोग ये ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल, सॉरी यहाँ पे है फॉर्मेट सेल, ये वाला रेड कलर के बॉक्स से जो घेरा गया है। ठीक है, द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर, नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड टैब एंड चूज द एप्रोप्रिएट कमांड। फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा, यानी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसमें आपको जितने भी फॉन्ट मतलब उसमें जितने भी ऑप्शंस की आवश्यकता है आप उसके अकॉर्डिंग उस पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, आपका वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए एप्रोप्रिएट कमांड जो भी। उसके बाद है अ नंबर टैब। ठीक है, नंबर टैब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेट सेल में ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट है अभी ये चीज़ जो बताया गया हम लोग वही पढ़ रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है ना, चूज़ द एप्रोप्रिएट कमांड, तो एप्रोप्रिएट कमांड में पहला क्या है, नंबर टैब है। फिर सेकेंड आ जाइए पेज नंबर 61 में, वो है फॉर्मेटिंग डेट एंड टाइम है। ठीक है, फिर एलिंगमेंट टैब है जिसमें एलिंगमेंट टैब का फर्स्ट दिया गया है टेक्स्ट एलिंगमेंट, सेकेंड दिया गया है ओरिएंटेशन और थर्ड दिया गया है टेक्स्ट कंट्रोल। उसके बाद फॉन्ट टैब है, बॉर्डर टैब है, फील्ड टैब है, यानी एक ही बॉक्स में, यानी हम लोग फिलहाल अभी यही पढ़ रहे हैं, इस बॉक्स में ही जो ऑप्शन है एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आपको लेना है कमांड, वो अभी चल ही रहा है, उसी के अंदर हम सब कुछ लेंगे। समझ रहे हैं इस बात को, अगला स्टेप या कुछ अलग नहीं है, अभी हम लोग एक ही डायलॉग बॉक्स के अंदर हैं। चलिए, आई होप आप लोग समझे होंगे, आपके सामने बुक होगा तो और अच्छे से समझे होंगे। पहला स्टेप है इसके लिए फॉर्मेटिंग द नंबर, यानी नंबर को फॉर्मेट करने के लिए पहला स्टेप है क्लिक ऑन द नंबर टैब। पहले स्टेप पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर टैब, सिलेक्ट नंबर इन द कैटेगरी सेक्शन, नंबर सिलेक्ट कीजिए कैटेगरी सेक्शन में, देख रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन द राइट साइड ऑन द राइट साइड इज एंड देयर इज एन ऑप्शन टू सेट द डेसिमल प्लेस। राइट साइड में जो स्टेप थ्री है वहाँ पे डेसिमल प्लेस में वो बॉक्स दिया गया है, वहाँ से आप नंबर सेट कर सकते हो। डिस्प्ले द नंबर इन द टर्म्स ऑफ डेसिमल एंड सेट कॉमास एज सेपरेटर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉमा और डेसिमल वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन नेगेटिव नंबर सेक्शन सिलेक्ट द फॉर्मेट इन विच यू वॉन्ट टू नेगेटिव नंबर्स टू बी डिस्प्लेड। जिसको आप नेगेटिव करना चाहते हैं, नेगेटिव नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं, माइनस वाले आप वहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर बन जाएगा। एज एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, हेयर डेसिमल प्लेस इज सेट एज टू। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं डेसिमल प्लेस वाले, यहाँ पे देखिए इसमें डेसिमल नहीं ना है,
और अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको डेसिमल दिखेगा। समझ में आई बात? इसमें डेसिमल नहीं है और इसमें डेसिमल है, ठीक है? चलिए कन्वर्ट हो गया। अब उसी बॉक्स में अगला स्टेप पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर्मेटिंग द डेट एंड टाइम। डेट और टाइम को कैसे फॉर्मेट करेंगे, आइए देखते हैं। सिमिलरली द डेट एंड टाइम कैन ऑल्सो बी फॉर्मेटेड। तो जैसे कि आप लोगों ने पीछे डेसिमल नंबर्स को फॉर्मेट किया है, वैसे ही डेट टाइम को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सेलेक्ट द सेल एंड सेलेक्ट डेट एंड टाइम। उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और डेट और टाइम को सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है? उसके बाद इन कैटेगरी सेक्शन, ये जो कैटेगरी सेक्शन है इसमें डेट और टाइम हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर नाउ सेट द रिक्वायर फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन ओके। जो आपको जिस हिसाब से जो फॉर्मेटिंग करने हैं डेट और टाइम के यहाँ पे दिए गए हैं, उसको सिलेक्ट सिलेक्ट करके ओके कीजिएगा। उसमें फिर डेट और टाइम भी आ जाएगा। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में है एलिगमेंट टैब। उसी बॉक्स में हम लोग एलिगमेंट टैब को भी सेट कर सकते हैं। कैसे? एलिगमेंट टैब, एलिगमेंट टैब इज यूज टू पोजिशन टेक्स्ट एंड नंबर इन द सेल्स, ठीक है? एलिगमेंट टैब से क्या होता है, टेक्स्ट का पोजिशन बदलता है, लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन ये सब हो जाता है, ठीक है? एलिगमेंट का काम ही वही होता है, टेक्स्ट को रीअरेंज करे। और आप जितने भी आप उसका एग्जाम्पल रोज देखते होंगे लेकिन ध्यान नहीं देखते होंगे, आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा या आप किसी पड़ोस के यहाँ भी देखते होंगे कि उसको जो है एक वर्टिकली हॉरिजेंटली न्यूज़ को अरेंज अरेंज करके एकदम पेज में जो है बहुत सारे न्यूज़ को जो है इकट्ठा कर दिया जाता है। आप सिंपल सोचिए कि सारे न्यूज़ को बस एक लाइन से प्रिंट कर दे और टाइप कर दे, कुछ समझ में आएगा कहाँ का न्यूज़ है क्या है? नहीं समझ में आएगा। लेकिन उसको एक कॉलम में और एक रो में जो कर दिया जाता है ना, वो इसी सब के कारण होता है और एलिगमेंट के कारण होता है। कुछ सेंटर में कर देता है, कुछ राइट साइड में कर देता है, और इससे आप एक ही पेज में बहुत सारी जगह की न्यूज़ पढ़ लेते हैं आसानी से और समझ में भी आ जाता है इसका हेडिंग ये है, इसके बारे में ये है, ठीक है? चलिए, तो ये सब उसी का कमाल है। तो अलाइनमेंट टैब इज़ यूज टू पोजिशन टेक्स्ट एंड नंबर इन अ सेल्स। जैसा कि मैं बता रही थी, पोजिशन को ये करता है चेंज और एडजस्ट करता है, चेंज द ओरिएंटेशन एंड स्पेसिफाई द कंट्रोल इन सेल्स। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द अलाइनमेंट टैब, अलाइनमेंट टैब पे क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप देखिए, नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ऑप्शन फॉर अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब हम लोग पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट करते हैं तब ओरिएंटेशन करेंगे। तो सेकेंड का आई जो दिया गया है वो देखिए, फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट आई नहीं है, ठीक है? टू अलाइन द टेक्स्ट हॉरिजेंटली क्लिक ऑन द हॉरिजेंटल लिस्ट बॉक्स। अगर आप अलाइनमेंट को हॉरिजेंटली सेट करना चाहते हैं तो हॉरिजेंटली पे क्लिक करना होगा। चूज द रिक्वायर ऑप्शन एलिंग द टेक्स्ट वर्टिकली। अगर आपको वर्टिकली करना है तो आप वर्टिकली चूज कीजिए। क्लिक ऑन द वर्टिकल लिस्ट एंड चूज द रिक्वायर ऑप्शन वर्टिकल लिस्ट, और फिर रिक्वायर ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। वो क्या होगा, सेट हो जाएगा। फिर आगे आइए, उसी में ओरिएंटेशन रहता है। तो ओरिएंटेशन क्या करेंगे, डिग्री ऑफ द ओरिएंटेशन कैन बी सेट थ्रू द ओरिएंटेशन सेक्शन। तो अगर आप डिग्री सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ओरिएंटेशन सेक्शन में जाएंगे और डिग्री सेट करेंगे। डिग्री जानते हैं ना आप लोग, बहुत आसान है। जैसे देखिए 90 डिग्री होता है, ये हो गया डिग्री, और हॉरिजेंटल ऐसा होगा, वर्टिकल ऐसा होगा, ठीक है? चलिए, डिग्री का सिंबल आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो जानते ही होंगे। तो ये सब चीज़ आप उसमें चेंज कर सकते हैं, देखिए, है ना? टेक्स्ट एंड डेट एट जीरो ओरिएंटेशन, जीरो डिग्री ओरिएंटेशन में ऐसा है, ठीक है? सेटिंग ओरिएंटेशन टू 45 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री कर दिया गया तो देखिए तनिष लवेश सब ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है? तो वो उसका रोटेशन भी होता है। ओरिएंटेशन में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, कि अब वैसे आप बुक में समझ गए होंगे। ओरिएंटेशन में डिग्री सेट होता है कि मान लीजिए आपका सेल, आप कुछ ऐसे सेल्स बनाए हैं, बनाए नहीं है वो एक्चुअली होता ही है, तो इसमें आप मोनू सोनू इस प्रकार से होगा, और कुछ इसमें आपके
डेट भी होंगे, 11 2 20 12 2 20, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, जैसे आप 45 डिग्री पे क्लिक करोगे, ओरिएंटेशन सेट करोगे, तो अगर आपका 0 डिग्री रहेगा ओरिएंटेशन, तो बस ये सीधा रहेगा, है ना। ऐसा आपका मोनू हो जाएगा, ऐसा आपका सोनू होगा, ठीक है। वो ऊपर नीचे नाम नहीं होगा, और ये डेट भी कुछ ऐसा रहेगा, 11 to 20 और 12 to 20, ठीक है। तो डिग्री करने से उसका जो है रोटेशन होता है, थोड़ा मूव करता है, समझ गया। चलिए इसको इरेज ही कर देते हैं। ओरिएंटेशन भी समझ गए आप लोग, चलिए एलिगमेंट को आप लोग समझते ही हैं। इसको फिनिश करते हैं। अगला है आपका टेक्स्ट कंट्रोल, ठीक है, सेकंड का थर्ड। टेक्स्ट कंट्रोल क्या होता है, देखिए टेक्स्ट कंट्रोल, जैसा कि आपको मैं बता रही थी कि जिसका नाम नहीं बताया था, उसका नाम नहीं लिखा हुआ था, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, उसी के बारे में है ये। ग्रो से टेक्स्ट बढ़ता है, श्रिंक से छोटा होता है। चलिए, देयर आर द 3 ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ चेक बॉक्सेस। रैप टेक्स्ट इज रैप्ड द टेक्स्ट सिलेक्टेड सेल, और श्रिंक टू फिट इट डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल अंटिल ऑल द कंटेंट्स ऑफ द सेल कैन बी डिस्प्लेड ऑफ मर्ज सेल। इट कंबाइंस टू और मोर सिलेक्टेड सेल्स इन टू अ सिंगल सेल। नहीं समझे होंगे, चलिए आपको समझाते हैं कि देयर आर 3 ऑप्शंस, यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आपका रैप टेक्स्ट, ठीक है, दूसरा होता है श्रिंक टू फिट, वही श्रिंक वाला जो मैं आपको बताई थी, ग्रो और श्रिंक वाला, उसके बाद एक होता है मर्ज से, ठीक है, ये 3 ऑप्शन होता है। तो रैप टेक्स्ट से क्या होता है, इट रैप्स द टेक्स्ट इन द सिलेक्टेड सेल। ये आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट को क्या करता है, रैप कर देता है। यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे होंगे, लाइंस मिट गए, ठीक है, तो ये एडजस्ट करने का काम करता है। दूसरा है आपका श्रिंक टू फिट, तो श्रिंक वाला देखिए नीचे होगा ऑप्शन में दिया हुआ, श्रिंक टू फिट, ये देखिए ये पहले था, यानी ये रैप का देखिए अंतर, देखिए रैप में टोटल और एड्रेस, टोटल क्या हो गया और एड्रेस क्या हो गया, इस प्रकार से इसको रैप कहते हैं, ऐसा अरेंजमेंट को। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है श्रिंक टू फिट टेक्स्ट, तो पहले टेक्स्ट कुछ ऐसा था, उसके बाद क्या हो गया, ये श्रिंक टू फिट हो गया, यानी एक ही सेल में कह लीजिए इसको कि ये एक जगह फिट हो गया। ये कुछ बाहर जा रहा है, दिल्ली 9 करके जो लिखा हुआ है ये बाहर जा रहा है, लेकिन ये श्रिंक टू फिट से टेक्स्ट भी छोटे हो गए और एक ही बॉक्स में ये कम्प्लीटली आ भी गए, ठीक है। फिर देखिए मर्ज सेल क्या है, मर्ज सेल जो आप पहले देखिए इसमें सेल्स जो है वो लाइन लाइन करके दिख रहे हैं, लेकिन मर्ज करने से क्या हो गया, सारे सेल्स के लाइंस मिट गए और ये एक ही सेल में एडजस्ट हो गया। मर्ज मतलब क्या होता है, जोड़ना, ये सेल्स को ऐड कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये सेल है, इस प्रकार से होते हैं सेल, ठीक है, तो ये क्या करता है, मर्ज सेल जो है सेल को मर्ज कर देता है, यानी ये सब लाइंस हट जाते हैं जिसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, और ये एक आपका ब्लैंक बॉक्स बच जाता है, इसमें आप जो चाहे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। चलिए सी है आपका फॉन्ट टैब, ये काफी लंबा प्रोसेस, ये भी उसी प्रकार सा है, प्रकार से है, तो समय आपका देख लेते हैं, फिर हम लोग फॉन्ट टैब पढ़ेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे है, फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, साइज है, अंडरलाइन है, कलर है, नॉर्मल टेक्स्ट है और इफेक्ट है, ठीक है, तो ये सब सेट करना है, इसमें बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।